तो क्या राम मंदिर बातचीत से बनेगा ताल ठोके का स्पेशल एडिशन आज आप देख रहे हैं। हमारे साथ यहाँ स्वामी दीपांकर है, समित पात्रा हमारे साथ आ गए बीजेपी से, जयवीर शेरगिल हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद है, मुफ्ती मंजूर जियाई हमारे साथ हैं, वो एडवाइजर है हाजी अली दरगाह ट्रस्ट के। और आपको बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह से जी न्यूज़ के संपादक सुधीर चौधरी ने बातचीत की थी, उन्होंने उनसे इसी संदर्भ में सवाल पूछा था। बीजेपी अध्यक्ष का क्या कहना था वो भी सुन लीजिए। ये पहला चुनाव नहीं है, कई चुनाव आ चुके हैं। हमने कहा है कि राम मंदिर का निर्माण संवैधानिक तरीकों से होगा, या तो कोर्ट ऑर्डर से हो सकता है या आपसी समत से हो सकता है, आपसी सहमति से हो सकता है। उसके आगे आप कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहते? नहीं, यही बहुत बड़ा कमिटमेंट है और कोई पार्टी ने इतना कमिटमेंट नहीं किया है। पर कोर्ट ऑर्डर से जो होगा वो तो सारी पार्टी को हर को करना ही पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे हमने इसके लिए सक्रियता से प्रयास कर रहे हैं। जी, तो सुना आपने अमित शाह को, वो कह रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से हमारी पार्टी वचनबद्ध है मंदिर का निर्माण करने के लिए। अदालत जब ये कह रही है कि पक्ष दोनों बैठकर अदालत से बाहर बात कर लें अगर वो चाहें, तो चीफ जस्टिस ने खुद मध्यस्थता की पेशकश कर दी। ऐसे में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर सीधे बातचीत को ही नकारा क्यों जा रहा है? स्वामी दीपांकर, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप बोलिए। हम ये कहना चाह रहे थे रोहित भाई, ये संकुचित मानसिकता का एक परिदृश्य है, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं। न्यायालय ने आज जो कहा यह सराहनीय है और हमें लगता है कि हमें भी अपने सांप्रदायिक मतभेद को भूलकर एक पहल करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और इससे पहले जिलानी साहब थे, कुछ लोगों ने कहा कि इसके पीछे बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस बात मसले का हल हो, मगर मैं फिर कहना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं, मुफ्ती मंजूर जी भी यहीं हैं, कि हम लोगों की सोच अलग हो सकती है, हम लोगों के विचार अलग हो सकते हैं। मुफ्ती मंजूर जी, दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या हमारे पूर्वज अलग थे? और राम अगर जो हमारे पूर्वज थे, तो एक बहुसंख्यक लोगों की आस्था के साथ एक बैठकर चर्चा कर जब सुप्रीम कोर्ट एक स्टेप आगे बढ़ सकता है, तो हम लोग किस बात को लेकर के चिंतनीय हैं, हम किस बात को लेकर के चिंता कर रहे हैं? मुझे लगता है कि हम लोगों को बैठकर पहल करनी चाहिए। और जब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मैं उसमें जो यथासंभव मदद होगी सरकार करेगी, तो आप लोग पीछे क्यों हट रहे हैं? और आप अगर जो साथ देने को तैयार हैं, तो मैं साथ देने को तैयार हूं और हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं। बोलिए मुफ्ती मंजूर जी। आई मैं बताना चाहूंगा रोहित, आपने अभी मिस्टर अमित शाह की बात सुना, आपने योगी साहब की बात सुना है, योगी साहब ने भी और अमित शाह साहब ने भी और हमारे अजीज स्वामी जी ने भी इस बात को दोहराया है कि बार बार कि हम उस तरह बैठ करके राम मंदिर बनाने के बारे में ही सोचेंगे। क्या इन लोगों के एक जिम्मेदार होने की हैसियत से, एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से कभी इनकी जबान से यह बात नहीं निकली कि हम मस्जिद बनाने के बारे में बात कर सकते हैं? ये हुकूमत के जिम्मेदारान हैं, इनको तो ये चाहिए था कि दोनों पहलू हम सामने रखेंगे, इन्होंने अपना एक पहलू क्यों रखा है सामने? अगर ये हुकूमत चलाना चाहते हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी ये बनती है कि हिंदुस्तान के रहने वसने वाले लोगों के अंदर में मस्जिद हो या मंदिर, इन दोनों के निर्माण में जो पहल होगी हम वो करेंगे। आखिर ये क्यों नहीं करते कि हम मस्जिद बनाने के लिए भी पहल कर सकते हैं? अगर बात सहमत हो जाएगी तो मुफ्ती मंजूर जी, आपने बजाय के चर्चा करने के, मुझे आप सीधा प्लीज, नहीं नहीं सुनिए सुनिए बात सुन लीजिए, आप बजाय के चर्चा करने के आपने पहले शब्द से आपने कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। हमने आज तक इस चर्चा में, अभी इससे पहले जिलानी साहब को सुन रहे थे, वो कहते हैं कि मैं बात ही करने को तैयार नहीं हूं, मैं सुनने को तैयार नहीं हूं, मैं कोर्ट में फैसला चाहता हूं, तो इससे क्या जाहिर होता है? क्या अब से पहले जो चर्चा हुई है, क्या वो संदेह के घेरे में नहीं होनी चाहिए? से छोटे भाई की तरह सुनते आ रहे हैं। एक काम करते ना, इस हिंदुस्तान में आपके सवाल का जवाब देता हूं, छोटे भाई की तरह सुनते आ रहे हैं और छोटे भाई की तरह सुनते रहेंगे। हमने आपको हमेशा बड़ा भाई समझा है, लेकिन हमारी बात को सुनने का कम से कम आपके आपके कानों में इतनी ताकत रहनी चाहिए कि छोटे भाई साहब की बात भी सुन लें। आप पात्रा मंजूर जी आई पूछ रहे हैं कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष और आपके सारे नेता, सरकार के नुमाइंदे हर बार यही क्यों कहते हैं कि हम मंदिर बनाने के लिए वचनबद्ध हैं, ये एक भी क्यों नहीं जोड़ते साथ में कि मस्जिद बनाने के लिए भी वचनबद्ध हैं? ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत देर से सब कुछ सुन रहा था और बहुत कम समय के लिए हूँ और दिल से आज बड़े इमोशनल तरीके से बात करना होगा इस विषय पे। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम मदत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। देखिए, करोड़ों वर्षों से चाहे आपके पूर्वज हों या मेरे पूर्वज हों, गंगा किनारे बैठकर तपस्या करते थे और राम के नाम को वरण करते थे। धिक्कार हो आज, आज मैं कहता हूँ चाहे हम किसी भी धर्म पंथ के हों, इसी मिट्टी के बच्चे हैं, धिक्कार हो हम सब बच्चों पे कि अपने परम पिता का मंदिर बनेगा या नहीं, उनका घर बनेगा या नहीं, उस पर हम लड़ रहे हैं। तू तू मैं करके इतने दिनों से लड़ रहे हैं।
देखिए राम का घर तो ये पूरा ब्रह्मांड है, मगर हम उनको जहाँ उनका जन्म हुआ वहाँ पर चार ईंट और पत्थर लगा के एक मंदिर बना देंगे, उसके लिए हम ऐसे लड़ रहे हैं? धिक्कार का विषय है, पूरा विश्व हम पे हंस रहा होगा। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि हम मस्जिद की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं। अरे कहाँ मक्का मदीना में मस्जिद है, जेरूसलम में क्रिश्चियनिटी का है, वेटिकन में क्रिश्चियनिटी का है। अरे जहाँ राम का जन्म हुआ वहाँ राम की बात नहीं करेंगे तो मैं किसकी बात करूँगा, आप बता दीजिए। भैया ये बीजेपी, ये कांग्रेस, आपका जो बाबरी मस्जिद स्टीयरिंग कमेटी है, और दीपांकर साहब आपका भी कोई मठ होगा, तो ये सब आना जाना है, ये समय के मुट्ठी में खिलवाड़ कर रहे हैं। हम एक दिन नहीं रहे, कोई भी नहीं रहेगा रोहित सरदाना, आप भी नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूँगा, ये मौलवी भी नहीं रहेंगे, मगर इतिहास जब लिखा जाएगा कि एक समय ऐसे भी था भारतवर्ष में कि राम के लिए मुट्ठी भर जमीन के लिए सब लोग लड़ रहे थे। देखिए हिंदुस्तान में हम लोग सभी जीते बसते हैं संबित पात्रा जी, और संबित पात्रा जी आपको बताना चाहते हैं कि हमारे दिलों में जो मोहब्बतें हैं हिंदुस्तान के लिए और आपके दिलों में जो सम्मान है राम जी के लिए, तो उसके लिए सबसे पहली बात ये होती है कि फिर आप एक ही चीज़ को क्यों ले रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान, क्या राम मंदिर की पूरे हिंदुस्तान में बनाई जा सकती है, क्यों नहीं बनाई जा सकती है? और बात यहाँ पर यह आती है बार बार कि वो हिस्ट्रिकल वो चीज़ जिसको लोगों ने तोड़ दिया, सारे लोगों ने मिलकर के तोड़ा, उसमें कितने लोग दोषी करार दिए गए उसके बारे में कभी आपने कोई बात नहीं की। मुफ्ती भाई क्या उनको उनके ऊपर मेरी बात सुनिए। नहीं, एक चीज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एक चीज सुनिए मेरी बात। आपने कहा ना, जयवीर शेरगिल को लाना जा सकता है, जयवीर शेरगिल को चर्चा में लाना साहब, सर जयवीर शेरगिल रोहित जी को लाना, कॉन्टेक्स्ट हट जाएगा। हमारे दिलों में बसते हैं राम सर, तो मंदिर बना देने दीजिए ना, उनको बातचीत कर लीजिए उनके साथ बाहर बैठ के। दिलों में राम बसते हैं तो फिर एक उनको एक जगह पर दिलों में बसते हैं तो सर बैठ के कम से कम टेबल पे चर्चा तो कर लीजिए। उसको मुकय्यद कर रहा है, टेबल पे चर्चा करने से आप तो मना कर रहे हैं बैठ के। अरे मौलाना साहब बातचीत नहीं हो सकती, सुन लीजिए पिछले 25 सालों में दोनों ने चर्चा ही किया, हमने कहां लड़ाई की है साहब, हम तो लड़ाई नहीं करना चाहते, हम तो चर्चा ही करना चाह रहे हैं साहब, प्लीज। पिछले 25 सालों में कितनी बार चर्चा हुई, सुन लीजिए, 10 सेकंड कहना चाहता हूं, सुन लीजिए जी, बोलिए, सुन लीजिए, बोलिए। आपने कहा ना कि दिलों में राम जी दिलों में बसते हैं, तो कहीं भी भारत में उनका मंदिर बना दीजिए, एक जगह क्यों बनाना है? अल्लाह आपके दिल में नहीं बसते हैं क्या? अल्लाह भी तो आपके दिल में बसते हैं, फिर हज करने क्यों जाते हैं? अल्लाह आपके दिल में नहीं बसते हैं क्या? अल्लाह आपके दिल में बसते हैं तो मक्का मदीना क्यों है? अरे अल्लाह हमारे दिल आपके दिल में बसते हैं तो आप 5 बार नमाज क्यों पढ़ते हैं? राम मेरे दिल में बसते हैं, मगर राम का मंदिर भी वहां बनेगा, मैं आपको बता दूं। मैंने देखिए मैं ये एज अ हिंदू आप इस तरीके से बता रहा हूं, यानी आप कोर्ट को कंडक्ट कर रहे हैं, बोल रहा कोर्ट को कंडक्ट कर रहे हैं संबित पात्रा, ना ना ये संबित पात्रा का कंडक्ट है संबित पात्रा, समझना होगा आपको, समझना होगा कि कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा कहना ये कोर्ट का कंडक्ट है, आप ऐसा क्यों कहा, ये चैलेंज कर रहे हैं कि वही बनेगा संबित पात्रा, इस तरीके की बातें बिल्कुल सेवा नहीं दे रही है। एक सेकंड रुक जाइए, अरे मैं तो आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है सर, एक सेकंड जयवीर शेरगिल ये रिक्वेस्ट है, एक सेकंड प्लीज, ये रिक्वेस्ट है प्लीज रुक जाइए, जयवीर शेरगिल ये किसने कहा कि झगड़ा इस बात का है कि भगवान राम की पैदाइश वहां हुई थी या नहीं हुई थी? इस तथ्य को स्थापित करने के लिए क्या इस देश के लाखों करोड़ों लोगों को, हिंदुओं को, किसी अदालत से फैसले की जरूरत है क्या, या किसी मौलवी से फतवे की जरूरत है उनको, या कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहेगा तब हिंदू मानेंगे कि भगवान राम कहां पैदा हुए थे? और अगर इसके लिए तथ्य के लिए नहीं हो रही है व्याख्या अदालत से रोहित जी, तो किस लिए हो रही है? रोहित जी आपने शुरुआत में शो के शुरुआत में बहुत अच्छी बात रखी थी, आज आपका शो 1.5 घंटे का था, 5 से 6:30 खत्म होगा, 1.5 घंटे में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है, आपके शो पे आने को तो तैयार हैं, बात रखने को तैयार हैं, पर वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह मशवरा जो मुझे लगता है अगर हफ्ता भी 1.5 घंटा बैठेंगे तो शायद कोई निर्णय हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं चाहता कि आज इस बात का फैसला हो कि तथ्य सबूत से कि भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ, कोई उनको एफिडेविट दे कि इनका जन्म ये हुआ, तुम कह रहे हो यहाँ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट चाहता है आप दोनों बैठ के मिलिए, आपकी हार जीत ना हो, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, ये नहीं कि तुम्हारे भगवान राम अच्छे हैं, वो यहाँ उनका यहाँ नहीं जन्म हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट अगर वो निर्णय लेना होगा वो लेंगे, उनको ना मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ना दूसरे पक्ष की वकीलों की जरूरत है, अगर ये मीडिएशन फेल होती है सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा और बता देगा कौन सही है और गलत है, पर सुप्रीम कोर्ट चाहता नहीं इस देश में स्थिति पैदा हो
ताकि एक धर्म दूसरे धर्म पे और यहाँ दूसरा धर्म दूसरे धर्म पे ये फरमान जारी कर दे कि तुम्हारे भगवान अच्छे थे या मेरे भगवान अच्छे थे। तो थोड़ा सा हमें मीडिएशन को समझना चाहिए, मीडिएशन के कानून को समझना चाहिए। क्यों ये जुरिसप्रूडेंस इस देश में लाया गया कि सही गलत की तो बात ही नहीं है। आप अगर चाहते हैं फैसला हो, आप मौलवी साहब मुझसे पहले बोल रहे थे ये राम मंदिर का मस्जिद का नाम क्यों नहीं लेते। जनाब आप मीडिएशन में बैठ के बात की कहिए उनको कि मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि आप राम मंदिर के साथ मस्जिद का नाम नहीं लेते और इस बात का मुझे बुरा लग रहा है, इसका हल ढूंढिए। बात तो इतनी सी है। आज चीखने चिल्लाने से और ये कहने से कि हम टेबल पे नहीं बैठेंगे, मुझे लगता है कहीं नियत में शक होता है। राम मंदिर के साथ में बाबरी मस्जिद भी लिखवा दे सर, आप खुद मानते हैं कि बाबर बात है। रोहित सरदाना सुप्रीम कोर्ट नहीं है। एक मिनट बोले जयवीर जी मैं एक मिनट इसका उत्तर दूंगा। बात यह है, आप रोहित सरदाना को जितना पसंद करते हो या नफरत करते हो, रोहित सरदाना सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ना वो मीडिएशन में जज में बैठेंगे। अगर आपको लगता है मीडिएशन के लिए इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि रोहित सरदाना जी अपने शो पे क्या चला रहे हैं, वो भी गलत है। दोनों पक्षों को कहूंगा, आज ये कहना आप एक दूसरे को कहिए, सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक मैदान दे दिया, टेबल दे दिया, अखाड़ा समझ लीजिए, जितना गुस्सा है निकालिए, बातचीत से उसका निचोड़ निकालिए। रोहित सरदाना शो पे क्या चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं उससे ये समस्या सुलझने वाली नहीं है, नियत से सुलझने वाली। आज सुप्रीम कोर्ट आपकी नियत पर रख रहा है, दोनों पक्षों की नियत दिखाइए कि समाज के लिए अब हाथ मिलाएंगे, बस इतना सा फैसला अगर आपको लेना है। आप समाज का हर हिस्सा आपके आदर अदब देगा, इज्जत देगा, नहीं लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस साल आ जाएगा या नहीं, तो एसआईटी टीम बना दे ना, सुप्रीम कोर्ट एक एसआईटी टीम बना दे जो कि उसके साथ उनके साथ बैठकर बेंच पर बैठ के बात की जा सके। संबित पात्रा, सुप्रीम कोर्ट एक एसआईटी टीम बना दे, 67 साल हो गए और जनों की टीम के 67 साल हो गए इस मामले को संबित पात्रा, एक टीम बना दो, एक अदालत चले जाओ, दूसरी अदालत चले जाओ, तीसरी टीम बना दो। आज तक कितनी टीमों ने कितने सारी बातें कही हैं, कितने सारे तथ्य रखे हैं। मेंबर हिंदू है या मुसलमान, वो मान लिए गए क्या? कल को आप कहेंगे कि इसमें तो हिंदू था, इसमें मुसलमान था, ये भी बात शुरू हो जाएगा जी, यही बात आ जाएगी। बात जो आ रही है बताएंगे, जितनी मर्तबा बढ़ाएंगे ये बढ़ता जाएगा, 25 साल 50 साल में तब्दील हो जाएगा। आप धमकी दे रहे क्या? आप धमकी दे रहे क्या मुफ्ती साहब? इसलिए कोर्ट के हवाले छोड़ देना चाहिए। नहीं साहब, मुफ्ती साहब एक कहावत है, बता रहा हूं ये 25 साल 50 साल चला जाएगा आपके लिए, अगर हमारे बीच में आएगा उनके बीच में। आपके लिए कहावत है संबित, मुझे बस 10 सेकंड दे। बोले जावेद आपके लिए कहावत है, तेरी आसमान में हस्ती है, तेरी आसमान में हस्ती है, मेरी जमीन पे बस्ती है, थोड़ा तुम झुक जाओ थोड़ा मैं उठ जाता हूं, यही हमारे मिलने की सूरत बनती है। इस सोच से मीडिएशन कीजिए। ठीक है संबित पात्रा, बोलिए, समझ आ रहा हूं। बोलिए संबित, देखिए एक बड़ा विषय समझने का है यहाँ पर, जो हम लोग समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जो 3 जज बेंच था, जिसमें कि खुद केहर साहब जो कि हमारे चीफ जस्टिस है देश के, और याद रखिए वो एक माइनॉरिटी भी हैं, उन्होंने एक सटल वे में बहुत बड़ी बात कही है जो हम शायद यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पहले सभी पक्ष बैठे और इस पर बातचीत करें, एमिकेबली इसको सॉल्व करें, सेंसिटिव विषय है और सेंटिमेंट का विषय है, अर्थात आस्था का विषय है। उन्होंने जाने अनजाने में एक संदेश यह दिया है कि राम का जो विषय है वो बहुत बड़ा है, कोर्ट इस पे डिसीशन ले, कोर्ट इस पे थोपे डिसीशन, उससे अच्छा होगा कि जनता की दरबार, देखिए जनता का दरबार जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहा जाता है, इसको प्रभु के दरबार के समान माना जाता है हमेशा ही, इसलिए उन्होंने उसको उस दरबार में भेजा है कि जाइए हमारे ऊपर बात आए, उससे पहले आप सब जो कि बहुत बड़ा दरबार है जनता, आप लोग निर्णय लीजिए और आप लोग अपने आस्था के साथ आगे बढ़िए, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। मगर उसके बाद भी हम लड़ रहे हैं। रोहित जी आप सही कह रहे हैं कि 85 वर्ष से, मगर याद रखिए 1528 से लिटिगेशंस चल रहा है, जब से बना है तब से लिटिगेशंस चल रहा है, और पहला जजमेंट 1886 में जब ब्रिटिश रूल था तब आया था, वो जजमेंट भी लेके मैं आया हूँ। 18 मार्च 1886 को पहला जजमेंट महंत रघुबर राम, इन्होंने केस किया था लैंड डिस्प्यूट के लिए कि ये मंदिर के लिए जमीन दे दी जाए, तो कॉलोनल F.E.A. चैमियर जो कि अंग्रेज थे, डिस्ट्रिक्ट जज थे फैजाबाद के, उन्होंने जजमेंट जारी की और उन्होंने कहा इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट दैट अ मस्जिद शुड हैव बीन बिल्ड ऑन अ लैंड स्पेशली हेल्ड सेक्रेट बाय द हिंदूज। ये आज से 100 साल से भी अधिक पहले किसी कोर्ट ने कहा। उसके बाद 1986 का भी हमने देखा कि किस प्रकार से दरवाजा
पट खोले गए। 2010 में एक मुस्लिम जज भी थे, एसयू खान भी थे, उसके बावजूद तीनों जज ने कॉन्कर किया कि उसके नीचे मंदिर है, उसके नीचे भव्य मंदिर है। तीन बार एएसआई ने उस पर खुदाई की, 72 में, 92 में, 2003 में, और कॉन्क्लूसिवली ये प्रूव किया कि वो मंदिर है। फिर भी हम लड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मौलवी साहब से, मैं राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनाऊं तो कहां बनाऊं? आप उस देश का नाम बताइए। वहां दुबई हमें जमीन दे रहा है मंदिर बनाने के लिए, यहां हिंदुस्तान में हम लड़ रहे हैं कि मंदिर के लिए जमीन हमें कहां मिलेगा, ये मुझे बताइए। ठीक है मौलवी साहब को नहीं देनी है जमीन, आपको अब तो अदालत नहीं देनी है। मौलवी साहब का कोई कब्जा भी नहीं है उस पर, वो भी उसी तरह लिटिगेशन में है जिस तरह से दूसरा पक्ष है। इसलिए उनसे इजाजत मत मांगिए, या तो बाहर बैठ के सेटल कर लीजिए या फिर अदालत के फैसले का इंतजार कीजिए। आखिरी चीज स्वामी दीपंकर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ा रुक जाइए मुफ्ती साहब, अगर समय बचेगा तो कमेंट लूंगा। स्वामी दीपंकर, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप तैयार हैं बातचीत हो, बातचीत के जरिए रास्ता निकाल लिया जाए बजाय इसके कि अदालत के फैसले का इंतजार हो? हम रोहित भाई उसी बात को कह रहे थे, क्योंकि हमने जयवीर को बोलते हुए सुना तो उन्होंने कहा कि आप दोनों, मतलब दोनों लोग आगे बढ़ें। तो हम जयवीर को भी कहना चाहते हैं कि जयवीर, हम लोग चर्चा के लिए कभी पीछे नहीं है, और ना हम चाहते हैं कि इस चीज का हल कोर्ट करे, क्योंकि आस्था का मामला है। मगर जहां तक के राजनीतिक संन्यास इस मुद्दे को अब तक दिया गया, और रामलला टाट के नीचे पिछले 20-25 साल से बैठे हैं, राम का भी वनवास 14 साल का था मगर मंदिर का वनवास 20 से 25 साल हो गए। मगर मैं मुफ्ती साहब से यह कहना चाहता हूं कि इसे चर्चा को हो सके तो बैठकर करें, मगर कम से कम नहीं कर सकते तो कोर्ट के ऊपर उंगली ना उठाएं, और यह ना कहें कि आपको कोर्ट ने कुछ पहले ही तो नहीं बता दिया। यह अपने आप में आश्चर्य है, यह खास तौर से 21वीं सदी में जहां इतनी पारदर्शिता बरती जाती है। जा रहा है साहब कि आपको पहले से कह कि आपको मौका दिया गया है, मिस्टर रोहित सरदारा की बातें ये थी कि साहब आप सुनिएगा ही नहीं, ये जुमला कहना इस बात की अलामत होती है कि क्या आपके पास पहले से बात हो गई है? मुफ्ती मंजूर जी, आप बात को सुनिएगा नहीं, बात सुन रहे हैं। लेकिन स्वामी जी, हम आप कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर देंगे, आप मुझे कटघरे में खड़ा कर देंगे, जजों को कटघरे में खड़ा कर देंगे, आप इतने करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक भगवान राम को कटघरे में खड़ा कर देंगे देना चाह रहे हैं, और लोग आपको सिर माथे पे बिठाए रखेंगे, है ना? नहीं देखिए साहब, हमने नहीं, आप हमारे हिंदू भाइयों, कई हिंदू भाइयों ने भी इस चीज को खड़ा करके रखा। आप मजाक उड़ाते हैं उनका जब ये कहते हैं आपके भगवान राम पैदा ही नहीं हुए थे हिंदुस्तान, वो आपसे पूछते हैं क्या अल्लाह कहाँ पैदा हुए थे? जुडिशनरी पूछते हैं क्या वो आपसे? हिंदुस्तान की जुडिशनरी, वो आपसे सर्टिफिकेट मांगते हैं क्या कभी इस बात का? अरे साहब, आप ये पूछ भी नहीं सकते ना। अरे साहब, आप पूछ सकते हैं क्योंकि आप उनको अल्लाह नहीं कहते हैं। आप पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं उनसे, कहते हैं ये बताइए, आप पूछ सकते हैं उनसे, लेकिन वो आपसे नहीं पूछ सकते, अल्लाह कहते हैं, है ना? अल्लाह अल्लाह वो है, अल्लाह कौन है वो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, मुफ्ती मंजूर जी हम जानते हैं कि राम कौन है। जब आप दोनों की अपने अपने ईश्वर में आस्था है तो दूसरे के ईश्वर का मजाक मत उड़ाइए। ये कह के इसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए, भगवान राम का आधार कार्ड लाओ, ये आपकी आस्था की कदर है, लेकिन आप हमारी आस्था के साथ इस्तेहसाल नहीं कर सकते हैं सर। मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी आस्था की, जब आप भगवान राम के जन्म का सर्टिफिकेट मांगते हैं, हमारी आस्था साबित कीजिए वहीं पैदा हुए थे, तब आप मजाक उड़ाते हैं उस आस्था का। आपके पास सर्टिफिकेट है और पूर्वाग्रह से ग्रसित होके, सर्टिफिकेट है, अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित होके चर्चा की टेबल पे बैठ भी जाएंगे तो उस चर्चा का कोई हल निकलेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका स्टार टोके का हिस्सा बनने के लिए इस स्पेशल एडिशन का। लेकिन अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर चर्चा होगी तो जैसा मैंने पहले कहा, हल निकलेगा नहीं। अदालत ने एक रास्ता देने की कोशिश की है, क्या वाकई दोनों पक्ष उस रास्ते पर आकर बाहर बैठकर अदालत की मध्यस्थता में ही इस मामले को सुलझाने के लिए तैयार होंगे? 31 मार्च तक इंतजार कीजिए, हो सकता है इसके बाद इस मामले में और कुछ नया बड़ा कदम आए।